बोलिए तो महाराज के चरणों में इनके भाव देखिए। हम तो अरदास करते हैं कि गुरु महाराज इनके घर परिवार में ऐसे ही रखों की बारिश होती रहे और ये यूं ही सत्संग में माया को लुटाते रहे। आची चोच भर ली गई नदी नगतिया चोच भर ले गई नदी नगतिया घोड़ा से सेवक है दरबार के।
जो नोटों की माला से बात करते हैं और ये दरवेश आज 500 रुपए है, 500 रुपए भाव करते हैं। हम गुरु महाराज के दरबार में इनकी बदली कबूल कराने के लिए गुजारिश करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं। वंदी स्वरूप महाराज इनके परिवार में सुख शांति बनाए रखें। और हम चाहते हैं कि जो भी गुरु महाराज के चरणों में बंदगी करता है उसकी बंदगी कबूल हो, उसके परिवार में सुख शांति, उसके परिवार में मालिक खुशखबरी रखे। ये अक्टूबर में लगभग 21,000 से दरबार की सेवा करते हैं। साढ़े बजा के स्वागत कर दो साधु लिखिए। कभी कभी जीव का भाव होता है कि भी महाराज जी जैसे काफी संतों के बारे में चर्चा हो करती है, महाराज जी तो 500 रुपए पे ताली बजवा रहे, कभी 500 रुपए के ढगले में उसके सिर्फ हाथ रहे हैं। ईशा इधर नहीं है, यहां एक से गलती शुरू होती है और वो अनंत तक जाती है। यह सभी को गले लगाया जाता है, सभी की बंदगी कबूल होती है, सभी को सतगुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन उसमें भाव सद हो, सद्भाव हो। एक दृष्टांत हमारे ध्यान आ गया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कुछ कर रहे थे मेला, अरे भाई ये लोटों की माला से भाव करते हैं, ऊषा कटारिया मेरठ से है, सदगुरु स्वामी सनंदाज महाराज की परम शिष्या श्रीमती उषा कटारिया जी जो आपके दरबार से जुड़ी हुई है, हम इनको लख लख बधाई देते हैं। बोलो साधो सत साहे, कोई बात नहीं भाई। ये कायदे की बताओ, जाकर दूसरी चीज की बता देगा जी। हम फायदे की बता सके ये जो है नंबर से है, खेकड़ा की बेटी है, बच्चों गुड़ी की बहू है, तो ये माला डाल के हमारे भाव करती है। इनको बार बार धन्यवाद है, बधाई है, सतगुरु बंदी छोड़ महाराज की चरणों में इनकी बंदगी कबूल हो, ऐसी हम अरदास करते हैं। कारण के लिए इसके नहीं,